जब हम लड़कियां अपनी लड़की दोस्त के साथ होते हैं, यानी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, और कोई लड़का दिख जाए ना, तो उस लड़की को जज करने के साथ साथ अगर कोई हैंडसम सा लड़का दिखे तो बोलते हैं, वाह यार क्या मस्त लड़का है, क्या मस्त बंदा है। वैसे आप भी तो सोचते ही होंगे। जी जरूर सोचते हैं। तो आपको पता है कि हम लड़कों की कौन सी बॉडी पार्ट्स को नोटिस करते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर आपको फेस की बात नहीं कर रही कि फेस अच्छा होना चाहिए या फिर रंग गोरा होना चाहिए, कुछ और। तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि वैसे कौन से बॉडी पार्ट्स हैं लड़कों की जिन पर लड़कियाँ खास नोटिस करती हैं, और अगर ये बॉडी पार्ट्स अच्छे हो तो लड़के उन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर सबसे नंबर वन चीज होती है उनका आर्म्स। अब देखो, ये चीज आपने अक्सर नोटिस की होगी कि बहुत बार मैंने भी कहा है कि बाइसेप्स अच्छे होने चाहिए, लेकिन आर्म्स ना कतई जहर लगते हैं। एक बात बोलूं, आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि सब बोलते हैं कि लड़कियों की कमजोरी होती है वैसे लड़के जब शर्ट पहनते हैं और अपना शर्ट को यहाँ तक मोड़ते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जब कोई लड़का अपने शर्ट को यहाँ तक मोड़ता है और उसका आर्म्स अच्छा रहता है, तो आर्म्स में एक अच्छा सा मसल शो होता है जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। अब आपको लगती है कि नहीं पता, लेकिन लड़कों की ये चीज़ लड़कियों को अट्रैक्टिव जरूर लगती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की आपको नोटिस करे, तो एक काम करना, फुल स्लीव वाले, भले वो शर्ट पहन सकते हो या फिर टी शर्ट पहन सकते हो, लेकिन हाथों को थोड़ा उठाकर यहाँ पर आपकी आर्म्स दिखनी चाहिए, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है लड़कियों को। दूसरा नंबर चीज़ है कि आपके लिप्स। अब लिप्स मतलब ये मत बोलना कि यार मेरे लिप तो एकदम बेकार है, काले हैं, जो कि आपने सिगरेट पी पी के काले किए होंगे। यहाँ पर मैं आपको बात कर रही हूँ आपके लिप्स में पड़ने वाले स्माइल की। अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों के साथ तो बहुत मज़े मार के बात करते, कतई हंसते हंसते बात करते, ये चीज़ अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो लड़की के सामने जाते हैं तो ये क्या, फेस में स्माइल होनी चाहिए, और आपकी फेस की यही स्माइल लड़कियों को पसंद भी आती है। जी जनाब, मैं सही कह रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी लड़की से मिलो, भले वो जान पहचाने या अनजान है, एक काम करो, फेस में एक स्माइल लाओ, और देखो पता है क्या होता है, अगर वो स्माइल रहता है ना फेस में, तो ऑकवर्डनेस ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, क्यों होता है इसका साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बताती हूँ, तो आपको बिलीव हो जाएगा। हम किसके साथ हंसते हैं बोलो? जिन्हें हम पहचानते हैं, है ना? तो वही होता है कि जिन्हें हम पहचानते हैं उन्हें देखकर स्माइल करते हैं, तो थोड़ा सा अनजान चीज़ हटकर थोड़ा जान पहचान वाली फीलिंग आती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने फेस पे पॉजिटिव स्माइल लाओ, भले आप वो लड़की को देख के करो या फिर वो लड़की जब आपको देखे तब आपकी फेस में स्माइल आए, बस स्माइल तो होनी चाहिए रे बाबा। तीसरा नंबर चीज़ है कि आपका नेक। अब देखो ये चीज़ ना मतलब आपके हाथों पे नहीं है, भगवान के हाथों पे है, यानी कि भगवान नहीं, आपके पूर्व पुरुष के हाथों में है। जेनेटिकली आता है कि कभी कभी होता है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जिनके गले लंबे होते हैं, और वो ऐसा शो भी करते हैं कॉलर को थोड़ा उठा कर कि देखो मेरा गला ना लंबा है। ये चीज़ लड़कियों को काफ़ी अच्छा लगता है। अब देखो ये चीज़ अगर तुम्हारे पास है तो अच्छा, नहीं है तो अब कोई उपाय तो है नहीं इस चीज़ को करने का, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आपका गला लंबा है तो उस चीज़ को शो कराओ, लड़कियों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। अब चौथा नंबर चीज़ जो है ना, वो अक्सर मैं सब पे नोटिस करती हूँ, भले वो लड़की हो या लड़का हो, वो है जॉ लाइन। अब देखो जॉ लाइन एक ऐसी चीज़ है ना जो लड़कियाँ अक्सर नोटिस करती है, भले आपने कभी लड़की की जॉ लाइन भले ही नोटिस ना की हो, जो मुझे पता है कि आज तक आपने नोटिस नहीं की होगी, लेकिन लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। अब देखो अगर आपका मेरे जैसा जॉ लाइन है ना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ तो मेरे जॉ लाइन में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे चिक्स आ रहे हैं, लोअर चिन जिसको बोलते हैं। तो अगर आपके जॉ लाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है, एकदम लाइन है जो यहाँ पे मेरे आते हैं, वो चीज़ अगर है ना तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे अगर नहीं है तो मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ, अगर आपका ये चीज़ थोड़ा सा मोटा है तो इस पर आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप मोटे हो तो इस चीज़ पर खास ख्याल रखना, क्योंकि ये चीज़ लड़कियाँ बहुत नोटिस करती है। ये एक ऐसा चीज़ है जो हर लड़की नोटिस करती है, भले आप ना नोटिस करते हो, तो जॉ लाइन पर अच्छा रखना, ठीक है। अब देखो पाँचवा नंबर जो चीज़ है ना, ये भी बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, शोल्डर। अब लोग अपने बाइसेप्स पर बहुत ध्यान देते हैं, ऐसे 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 मसल्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शोल्डर पे कम ध्यान देते हैं। अब एक बात बताऊँ, ये जो चौड़े यानी ब्रॉड शोल्डर होते हैं ना, ये काफ़ी
काफी अच्छे लगते हैं लड़कियों को, ये काफी अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मैं आपको ऐसे बताऊं कि भले आपके बाइसेप्स नहीं है लेकिन आपके कंधे जो है ना वो चौड़े हैं, तो आप अट्रैक्टिव दिखोगे। सच में ये चीज काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो इस चीज के लिए आप बहुत सारे एक्सरसाइज आते हैं, जिम जाकर कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है इतना बोलने के बाद आप जिम जाओगे नहीं, तो घर पे भी कोशिश कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज है, आप देख सकते हो यूट्यूब पर या फिर कोई भी जिम जाकर ट्रेनर से, अगर आपके आसपास जिम खुला है तो देख सकते हो कि किस तरह आप अपने जो शोल्डर है उसको ब्रॉड कर सकते हो। ये ब्रॉड होगा क्योंकि मेरे साथ ये कुछ मैंने किया है। मेरे जो शोल्डर थे आज से 4 से 5 साल पहले थोड़े छोटे थे और मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज किए, तो हल्का सा ये शोल्डर ब्रॉड होता है। तो ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी पार्ट्स अट्रैक्टिव दिखे। और दोस्तों सबसे लास्ट में आता है बट नॉट द लीस्ट, यानी सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ें हैं आपकी आँखें। जी, अब कोई लड़की जब आपको देखती है, देखो यहाँ पर मैं जान पहचान या अनजान सभी लड़कियों के बारे में बता रही हूँ, ओके, तो आपकी आंखों पर जरूर नोटिस करती है। तो इसका मतलब बस इतना है कि अगर आप चाहते हो कि आप अट्रैक्टिव दिखो, क्योंकि लड़कियाँ तो ये चीज़ नोटिस करती है रे बाबा, तो इतना जरूर करना कि अपनी जो आँखें हैं ना वो सही जगह रखना। और जब कभी आपको मौका मिले तो किसी से भी आई कॉन्टैक्ट करो। अगर आप आई कॉन्टैक्ट करते हो तो एक पॉजिटिव वाइब देता है, भले वो लड़की आपसे इंप्रेस हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन अट्रैक्ट जरूर करेगी। तो अपनी आँखों को 2 सेकंड तक किसी से भी मिलाओ, कोई अनजान लड़की भी जिसे आप इंप्रेस करना चाहते हो, देखो वो इंप्रेस होने का बहुत ही कारगर उपाय है। तो दोस्तों ये था कुछ ऐसे टिप्स जो लड़कियाँ नोटिस करती है, और ये चीज़ें आपको अट्रैक्टिव दिखने चाहिए आपके। अब देखो अगर लड़की आप पे ये चीज़ नोटिस नहीं करी, लड़की इंप्रेस नहीं हुई, तो क्या हुआ, आप खुद के बॉडी पर ध्यान देना भी तो जरूरी है। ये सब चीज़ें आपको खुद में बेस्ट बनाएगी, ओके। तो लगता है कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हुई होगी।